मुकंदरे से है, हमारा तालुक है। और ये जो चमड़े का काम करते, जैसे चारपाई बनाते, ये तो हमारा तो पतपन का काम है। अब तो पहले तो हमारा बाप का करता था, फिर तो हम जो उससे ऑनर सिखाया, और तकरीबन हमारा 30-35 साल उम्र है, इसको तकरीबन 15 साल से मेरे शुरू किया, बहुत टाइम हो गया। ये तो हमारा खानदानी का काम है, तो हमारा बाप भी करता था, फिर हम भी करता था। ये तरीका तो हमारा ये भी है, तो बुने सुहाड़ी से हम चमड़ा लाता था, और उससे कसाबी से भैंस का चमड़ा इस्तेमाल था। ये वो गई का वो तो कमज़ोर होते, वो तो पतला है, और भैंस का चमड़ा ये बहुत मोटा है, इसे काम भी अच्छा करते थे। और उससे हम इधर चलाते तो उसको पानी से धोते, फिर इसको हमारे पास दही भी है, नमक भी है, वो भी डालता था, फिर इसका स्मेल भी ज़्यादा नहीं करते, वो दवाई नहीं चाटते और नमक भी नहीं डालते, फिर बुदबू ही करते। उसके बाद हम चूरी से बाल भी दोनों मछली से चमड़ी से निकालता था जो बाल, फिर बाद में इसे तार निकलता था, तस्मा बोलते, फिर इससे चारपाई बनाते। इसको ज़्यादा तो हम आर्डर से बनाते, अखबार में सेरा भी था, बहुत भैया वो तो करते थे, इस पाकिस्तान में करते थे, वो ऑर्डर करते, मैं उस ऑर्डर मुताबिक फिर वो चारपाई बनाता, एक दिन में एक चारपाई बनाता था। उसको काम भी ज़्यादा है ना, दो दिन में एक चारपाई बनाते। हाँ, चारपाई की कुर्सी भी बनाते थे, वो छोटा तकिया बोलते वो भी बनाते थे, तकरीबन एक चारपाई में 5-6 हज़ार रुपये सिर्फ कारीगर का खर्चा आते, नहीं आम लकड़ी से नहीं बनाते। उसको तो हम नख्तर बोलते, और कचड़ भी बोलते, प्यूज भी बोलते, उसको अच्छा अच्छा लड़की उससे बनाते, पाकिस्तानी भी बोलते, और उसको पंजाब का भी है, सिंध का भी है, कराची का भी है, और उसका हमारा इलाके स्वाद का बुने का वो बहुत लोग डिमांड करते हैं। इसमें खूबी है इसके, हम कटमल बोलते हैं, उसमें कटमल ज़्यादा नहीं होते, तो इसको गर्मी मौसम में बहुत ठंड होते हैं। हाँ, उसको बिस्तर भी नहीं बिछा दो, फिर ऐसे तकिया रख दो, उसको बहुत ठंड है, और सर्दी में जो गर्म है, बहुत गर्म है, चमड़ा है ना,